हेलो गाइस, मेरा नाम रविंद्र कुमार गुप्ता है। मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में, ठीक है। और उसके बारे में फुल कंप्लीट बताऊंगा। इसमें टोटल 12 वीडियो अब मैं अपने चैनल में अपलोड करूंगा। वो चैनल का नाम है टिप एंड ट्रिक्स फॉर कंप्यूटर, जिसमें ये पहला सीरीज़ है। इसमें आपको सिखाया जाएगा फिल्मोरा को डाउनलोड कैसे करते हैं, और फिल्मोरा का इंट्रोडक्शन सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, और उसका इंटरफेस को समझाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फिल्मोरा को हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। कैची को ओपन करना होगा, गूगल क्रोम। यहाँ से हम लोग गूगल क्रोम ले लेते हैं। ये हमारा गूगल क्रोम ओपन हो गया। और उसके बाद फिर आपको जो ईमेल आईडी है, आप जो ऑलरेडी रख के रखे, वो यहाँ पर शो होगा। आपको जो अच्छा लगे उसमें आप ले लीजिएगा, और यहाँ पर सर्च कीजिएगा फिल्मोरा डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपका ऑलरेडी वो फ्री डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो वो आपको डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं, पहले हम लोग फिल्मोरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, और वीडियो एडिटिंग क्यों करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वीडियो एडिटिंग हम लोग क्यों करते हैं। सपोज हम लोग फिल्म देखते हैं, क्या देखते हैं, फिल्म देखते हैं, 3 घंटा का फिल्म रहता है। बट क्या वो 3 घंटा ही शूटिंग हुआ है क्या? नहीं, वो शूटिंग जो हुआ है वो लगभग 1 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा। उसके बाद उसके सारे सीन को कहाँ पर ला कर रखा जाता है, इस प्लेटफॉर्म पर, जो हमारे सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एडोब प्रीमियम प्रो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उस पर जाकर उसको रखा जाता है। और उसके बाद उसको थोड़ा एडिट किया जाता है। एडिट करने के बाद वो हमारे पास में लाया जाता है। कहने का मतलब उस फिल्म शूटिंग के दौरान जो भी गलतियाँ हुआ है या फिर जो भी मिस्टेक है, उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है, यानी उसको काट दिया जाता है, काट के उसको डिलीट किया जाता है। उसके बाद जो उसके अच्छे अच्छे सीन हैं, जो जो उनको अच्छे लगते हैं, उसको क्या किया जाता है, ला के आपके पास में शो किया जाता है और आपको दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो हुआ वीडियो एडिटिंग। अभी वीडियो एडिटिंग हम लोग कैसे करेंगे, वो चीज़ तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको डाउनलोड कैसे करते हैं वो सीख लें आप, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इस पर काम कैसे करना है, इसको ओपन कैसे करना है, वो चीज़ भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ से आप इसमें क्लिक करके आप इसको सिंपली आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम फिल्मोरा को ओपन करते हैं। मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है इसलिए हम उसको डाउनलोड नहीं किए, बट आपको मैंने बता दिया कैसे उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करके खोलेंगे तो आपके पास में ऐसा शो होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका न्यू प्रोजेक्ट शो होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आप सेव करके रखे हैं वो चीज़ यहाँ पर शो होगा। जैसे मैंने 4 वीडियो एडिटिंग करके रखा है तो ये मेरा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, और न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद ये आपका जो दिख रहा है ये फिल्मोरा का इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह का, जब आप फिल्मोरा ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। फिल्मोरा का बहुत सारा पार्ट्स है, जैसे फिल्मोरा 9 है, फिल्मोरा 10 है, फिल्मोरा 11 है। हम लोग फिल्मोरा 12 पर काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं, फिल्मोरा 12, ठीक है। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, इसमें जैसे ही आप डबल क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, जैसे ही आप डबल क्लिक कीजिएगा तो आप उस सेक्शन पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका वीडियो फोटो सेव करके रखा हुआ है। जैसे मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ पर रखा हुआ, आपका डेस्कटॉप पर रखा हुआ, डेस्कटॉप पर ले से ला सकते हैं, डाउनलोड में है, डाउनलोड से ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से ला सकते हैं, पिक्चर है, पिक्चर से ला सकते हैं, म्यूजिक है, म्यूजिक से ला सकते हैं, आप जहाँ से भी ला सकते हैं। वो कैसे लाते हैं वो भी हम सिखाएंगे। बट सपोज यहाँ पर आपका, सबसे पहले आपको क्या बोले, यहाँ से डाउनलोड डबल क्लिक करके आप ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा उपाय है, आप कंट्रोल के साथ, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करेंगे तो भी आप वहीं सेक्शन पर पहुंचेंगे जहां पर आपका जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट रखा हो, ठीक है, जो भी वीडियो ऑडियो, ठीक है, पिक्चर्स। तो हम लोग यहाँ डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ से जैसे आपको ये पिक्चर लेना है, पिक्चर को लिए और यहाँ से ओपन किया तो वो आपके पास में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जैसे आपको डबल पिक्चर लाना हो, डबल वीडियो लाना हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सिलेक्ट करना है इसको, और फिर कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, और इसको फिर सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, मतलब 3 4 को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, और यहाँ से ओपन कीजिए, वो आपको यहाँ शो हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है, इसमें आपका जो वीडियो एडिट करके आप देखेंगे तो यहाँ पर वो शो होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑडियो ट्रैक है, मतलब कि इसमें आपका ऑडियो शो होगा। ये वीडियो ट्रैक है, इसमें वीडियो शो होगा। अब ये बढ़ाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, वो भी हम बताएंगे, बट अभी आज तक हम ये इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको इतना तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।